राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर इस वक्त किसान डटे हुए हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अब इस आंदोलन ने अलग रंग ले लिया। इस आंदोलन में अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आयसा के स्टूडेंट समेत शाहीनबाग में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने किसानों को समर्थन दिया है। शाहीनबाग में सीए एनआरसी के विरोध में मुख्य रूप से रही शामिल ये महिलाएं अब किसानों के साथ बैठ गई हैं। किसानों को अपना समर्थन दे रही हैं और कहती हैं यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार हमेशा गरीबों को दबाती आई है, हमेशा ऐसे कानून को पास किया जिससे लोगों को हमेशा नुकसान हुआ है। आज गुरु पर्व का दिन है और गुरु पर्व में आपको बता दें पंजाब से किसान दिल्ली धरने पर सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। यहाँ भी बड़ी ही धूमधाम से गुरु पर्व का जो त्योहार है उसको बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह लंगर चल रहा है। हालांकि लंगर यहाँ पर लगातार इसी तरह चलता रहता है, लेकिन आज कुछ खास तरीके से यहाँ पर लंगर दिया जा रहा है और साथ ही गुरु पर्व के मौके पर भी और वैसे भी बात करते हैं सर, जो गुरुद्वारे में बनाया जाता था जो गुरु पर्व है बनाया जाता है, आज कैसा मनाया जा रहा है यहाँ पर? गुरु पर्व बहुत अच्छे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बहुत संगतों में उत्साह है गुरु पर्व के लेकर। पहले कैसे बनाते थे आप अपने घरों में रहते थे, आज सड़क के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ कैसे बना रहे? देखो पहले हम जो गुरुद्वारा साहब में जाते थे वहाँ पे भी मत्था टेकते थे, अभी यहाँ पे भी हम जाके आज सुबह गुरुद्वारा साहब में मत्था टेक के आए हैं और हमने अरदास की है कि हमें अपने जो इस अवे यहाँ पे जीत मिलेगी। यहाँ पर खुद ये नगर के जो कीर्तन है, भजन है, पूजा पाठ जो इनका होता है वो यहाँ पर कर रहे हैं और अरदास कर रहे हैं कि यहाँ से जो अपनी मांगों को लेकर आए हैं मांगे पूरी हों। नसीम अहमद, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली।